कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए दीक्षा भूमि पर 64वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन सादगी से मनाया जाएगा। इस बार मुख्य समारोह समेत सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। 14 व 25 अक्टूबर को दीक्षा भूमि के सभी प्रवेश द्वार बंद रखे जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति के सचिव डॉक्टर सुधीर फुलझेले ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में अनुयायियों से अनुरोध किया कि वे दीक्षा भूमि पर भेंट न करें। 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी के दिन पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा भूमि पर सुबह 9 बजे पूज्य महास्थवीर चंद्रमणि से त्रिशरण व पंचशील ग्रहण कर धम्म दीक्षा ली थी। इस उपलक्ष में इस साल भी 25 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी के दिन सुबह 9 बजे दीक्षा भूमि पर भदंता आर्य, नागार्जुन सुरेश ससाई व स्मारक समिति के सदस्यों की उपस्थिति में बुद्ध वंदना की जाएगी। इस दौरान नागरिकों ने अपने घरों में ही सुबह 9 बजे बुद्ध वंदना करें। इससे पहले सुबह 8:30 बजे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर व भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भीम वंदना व बुद्ध वंदना होगी। सुबह 9:30 बजे भिक्षु संगत व बुद्ध गाथा का पठन किया जाएगा। 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे पंचशील ध्वजारोहण किया जाएगा। इस दौरान समता सैनिक दल की ओर से सलामी दी जाएगी। कार्यक्रम का प्रसारण ऑनलाइन व टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में समिति के अध्यक्ष भदंता आर्य, नागार्जुन सुरेश ससाई, सदस्य विलास गजघाटे व NR सुटे उपस्थित थे। भूमि पर होने वाले सभी कार्यक्रम जैसे धम्म परिषद और मुख्य धम्म का कार्यक्रम ये सभी रद्द किए हैं। दीक्षा भूमि स्मारक समिति के पदाधिकारी हर साल समाज सुबह 9 बजे बाबा साहब अम्बेडकर को मानवंदना देंगे और बुद्ध वंदना देंगे। मैं इस पत्रकार परिषद के जरिए सभी जनता को फिर से आह्वान करता हूँ कि सभी अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे और सुबह 9 बजे सभी लोग अपने घरों में बुद्ध वंदना करें और बाबा साहब को मान लें। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, NBC न्यूज़ नागपुर।